हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही है 12वें की। 12वें में सब यूनिट चल रही है 12.2। उसमें कितने क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं? 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ाई करते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की। तो अपन अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि वो परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, गलत है। आच्छादित का मतलब होता है जैसे ये एक वाइपर है, इसके ऊपर कोई दूसरा वाइपर ना आए, ये होता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, देखो अपन दो चीज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले ये रेडियस दे रखी है इसने कितनी, 25 सेंटीमीटर, और कितना डिग्री एंगल है, थीटा है, कितना है, 115 डिग्री। अब मैं आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और अपन से क्या पूछ रहा है। लिखेंगे अपन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको बेसिक बताऊं कि ये क्या पूछ रहा है अपन से। सबसे पहले तो कोई क्या है, कार है, तो अपन कार बना लेते हैं। नॉर्मल सी कार ऐसी होती है क्या, टायर बन रहे हैं कार के अभी, तो ऐसी कोई कार है ये, इसके हेडलाइट हो गई दो, ठीक है, ये इसके टायर हो गए, और ये बस मत समझना इसको क्या है, ये कार है। अब देखो कार में यहाँ पे इसका 3D अगर अपन डायग्राम बनाएं तो ये ऐसे बनेगा कुछ। ये ऊपर वाला हिस्सा होगा शीशा, कहाँ पे, शीशे पे। शीशे पे क्या होंगे, दो वाइपर लगे होंगे इस तरह से, लगे होते हैं ये, ठीक है। एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, ये इस साइड में यहाँ तक आता है, इस साइड ऐसे घूम के फिर वापस आ जाता है। ये वाला इधर से आता है, मान लो यहाँ तक आया फिर वापस आ गया। इस प्रकार जो यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, 115 डिग्री, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि ये कितना एरिया कवर करेंगे, यानी कि इस शीशे को कितनी दूरी तक ये साफ कर सकते हैं। तो चलो अपन पढ़ेंगे, तो इसमें सीधा लगा देंगे तिरछे खंड का फॉर्मूला। तिरछे खंड का क्षेत्रफल, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों वाइपरों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 होता है। अब देखो एक वाइपर द्वारा किया गया कितना है, इतना रिजल्ट है। दो वाइपर है, ये इधर वाली सफाई करेगा इतनी, और ये इतना कवर करेगा, एरिया कवर करेंगे ये। तो इसकी मल्टीप्लाई अपन किससे कर देंगे, दो से कर देंगे। तो चलो देखो, 2 × π की वैल्यू 22 × r² यानी कि 25 × 25, इंटू में थीटा कितना है, 115 डिग्री, बट्टे बट्टे में कितना चलेगा, 7 × 360, इतना ही होता है रिजल्ट। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, इसको 5 से काटोगे तो 5 × 10 और 5 × 3 = 15, इसको 5 से काटोगे तो 72। अब और देखो अगर कट रहा है तो उसको काटते हैं, इस 2 से इसको काट लो, ये कितना आ गया, 36 आ गया। और कुछ कट रहा है क्या, इस 22 से 11 बार 2 से काटोगे तो, और ये 18 बार। अब इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट बनने वाला है अपना, 11 × 25 × 25 और इंटू में क्या आ जाएगा, 23, कितना आएगा, 23, बट्टे में क्या चलेगा, 18 × 7। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो 25 × 25 कल बताया था, देखो 25 × 25, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई किया 25 आया, इसमें एक ऐड किया तो 3 × 2 = 6 बन गया। फिर आगे चलो इसकी मल्टीप्लाई करो आप 23 से, सॉरी, तो 5 × 3 = 15 होता है, 3 × 2 = 6 और 1 = 7 हो गया, और ये 18 हो गया, इंटू ये 10
और पाँच और कितना 12। अब देखो कितना रिजल्ट आ गया, 5 7 और कैलकुलेट करते हैं 8 5 कितना होता है 13 4 1, इतना रिजल्ट आ गया। अब इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 11 से, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 14 375 इंटू, एक बार फिर लिखेंगे 14 375। इस सब को कैलकुलेट करेंगे, 5 2 1 8 5 1, इतना आ गया, कितना 15 81 25। तो इसको लिखेंगे 15 81, ठीक है, और कितना आया है 25/18 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कि कोई वाइपर है गाड़ी के लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है 115 डिग्री तक तो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, और कितनी लंबाई है उसकी, यानी कि रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो अपन ने तिरजखंड का फॉर्मूला लगाया, एक का क्या फॉर्मेट होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये क्या है, दो वाइपर हैं, तो दो के लिए रिजल्ट निकालेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, इतना आएगा, इसको और आगे कैलकुलेट करके लिख सकते हो। अब करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो अब पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ जो को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरजे खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके। देखो इसका डायग्राम बनाएंगे अपन पहले, ये कोई जहाज है, ठीक है, जहाज ऐसा ही होता है, ये क्या है, कोई जहाज है। अब देखो ये किस में चल रहा है, समुद्र में चल रहा है, किस में चल रहा है, समुद्र में चल रहा है। तो देखो समुद्र में भी क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, अपन ने चट्टानें बना ली, ठीक है, बहुत सी चट्टानें होती हैं। तो क्या करेंगे ये, कि यहाँ पे इसके क्या लगा देंगे कुछ, देखो दो चीज़ें बताता हूँ आपको, पहला कौन सा हो गया रडार, दूसरा हो गया सोनार। रडार किस में काम में लिया जाता है, हवाई जहाज में, हवाई जहाज के लिए, ठीक है, हेलीकॉप्टर, इसको कौन यूज करता है, अपनी इंडियन इंडियन एयरफोर्स करती है, क्या एयर फोर्स, इसको करता है अपना इंडियन नेवी, क्या इंडियन नेवी। अब देखो यूज क्या होता है, ये क्या काम करता है, यह धरातल के ऊपर लगा होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर लगा होता है, और अपने एरिया में कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है उसको ये क्या करता है, कैच कर लेता है। जैसे ये धरातल के ऊपर होता है, वैसे ये सोनार क्या होता है, धरातल के नीचे, यानी कि समुद्र के अंदर। तो समुद्र में ये क्या करता है, जैसे कुछ भी अदर कंट्री से क्या आ जाए, मान लो कोई पनडुब्बी आ गई या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, तो ये इसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, जिससे क्या होता है, इसमें अपनी सुरक्षा को फायदा मिलता है। तो ये नीचे की साइड, ये धरातल के नीचे लगा होता है, मतलब कि जो भी क्या है समुद्र एरिया है उसमें रहता है, और ये क्या होता है पहाड़ों पे, ऐसे जैसे एयर फोर्सेस को यूज करती है, बॉर्डर पे लगा होता है लगभग ये, और ये हमारे तटीय सीमा पे लगा होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, वो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिससे क्या बोल रहा है ये 80 डिग्री, ठीक है, मान लो ये कितना डिग्री कवर कर रहा है 80, 180 बना दिया क्या, इसको अपन 80 डिग्री बना देंगे, इतना 80 डिग्री एंगल हो गया, और इसकी लंबाई कितनी है 16.5 किलोमीटर, 16.5 ही है क्या, हाँ, मतलब कि ये आगे तक, जहाज के आगे तक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक कैच करके बता देगा अपन को कि क्या लगा हुआ है, कि कोई चट्टान है या फिर नहीं है। तो इसने पूछा है कि ये जितना एरिया कवर कर रहा है उसको अपन को फाइंड आउट करना है, तो अपन सिंपल सी बात है इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, रेडियस अपने पास है,
कितनी है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। और थीटा डिग्री एंगल भी अपने पास कितना है 80 डिग्री। करना क्या अपन को, तिरजखंड का फॉर्मूला लगाना है, तो अपन लगाएंगे तिरजखंड का क्षेत्रफल। तो तिरजखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मेट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और क्या निकालेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। देखो पाई की वैल्यू ले रहा हूँ मैं इस बार 22 इंटू, आर कितना है 16.5 इंटू 16.5, थीटा कितना है 80 डिग्री, बट्टे में कितना लोगे आप 7 इंटू 360। अब देखो बिंदु से बिंदु चली गई, और कुछ कट रहा है क्या, 2 4, इसको 2 से काटोगे तो ये 4 आ जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो ये 18 आ जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो ये 2 आएगा, इसको 2 से काटोगे तो ये 9 आएगा। और कोई कट रहा है क्या, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, वैसे 3 से कट रहा है, काट लेंगे। तो 9 को 3 से काटोगे तो ये 2 आएगा, इसको काटोगे तो ये 5.5 आएगा। और कट रहा है क्या, इस सॉरी 3 से काटोगे इसको तो ये 3 बार कटेगा, ठीक है। ऐसे ही अपन ने वो छतरी वाला क्वेश्चन था उसमें भी थोड़ी मिस्टेक की थी। नीचे क्या रिजल्ट था, नीचे रिजल्ट था वो 7 इंटू 4, और अपन ने क्या ले लिया 8, वहाँ पे क्या होगा 28 होगा। आप दोबारा जाके उसको चेक कर लेना। देखो गलतियाँ तो होती है इंसान से। अब देखो इतना कैलकुलेट कर लिया अपन ने, इसको फाइंड आउट करते हैं फिर आगे। देखो क्या होगा आगे, 22 इंटू 5.5 इंटू 16.5 इंटू में 2, और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 7 इंटू 3। मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट निकालो। तो 22 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना बन गया, 44 बन गया, और ये कितना है 5.5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये आ गया 520, 520 से 2 22 इंटू 220, कैलकुलेट करो 0 2, ये कितना हो गया 4 2, एक अंक बाद में दशमलव, यानी कि 242 आ गया अपना। अब 242 की मल्टीप्लाई करेंगे अपन 16.5 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 20, 20 सर 1 21, 10 10 सर 2 12, इतना रिजल्ट आ गया। कितना आ गया 1210, 6 दूनी 12 होता है, हासिल 1 लगा देंगे, 24 1 25, हासिल 2 लगा देंगे, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, फिर 242, कैलकुलेट कर लो 0 3 9 9 3, इतना रिजल्ट अपना आ चुका है। कितना 3 9 9 30 बट्टे 7 इंटू 3। और इसको और कैलकुलेट करते हैं अपन तो इसका रिजल्ट आएगा अपना 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आप इसको फाइंड आउट करके देख लेना, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर कितना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ये बात आप याद रखना, क्या रडार एयरफोर्स यूज लेती है, ठीक है, धरातल के ऊपर होता है, और जो सोनार होता है वो इंडियन नेवी काम में लेती है, क्या होता है धरातल के नीचे यानी कि समुद्र में कार्य करता है। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो ये बोल रहा है एक गोल मेज पॉस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दिखाया गया है। यदि मेज पॉस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो मैं पहले तो ये मेज पॉस बना रहा हूँ, इसमें कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5, और कितने हो गए 6, 6 है ना, हाँ 6 टुकड़े, ये इससे कुछ डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। तो अपन भी बना देते हैं, इतने तो कलाकार हैं ही, क्या बना रहे हैं अपन, डिजाइन बना रहे हैं। ये लो अपनी डिजाइन बन गई, ऐसा कुछ आकृति में भी आपको दिखाई दे रहा है। ये बोल रहा है कि इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस है 28 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है, इसको बनाने में 0.35
0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि इन डिज़ाइनों को बनाने के लिए टोटल लागत फाइंड आउट कीजिए। और ये एक और आपको हिंट दे रखा है कि √3 की वैल्यू आप इतनी यूज कीजिए। तो चलो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। अब देखो इस डायग्राम के अंदर ये कितने हो गए, रिजल्ट निकालो इनका, कितने त्रिज्य खंड हो गए, तो 6 त्रिज्य खंड हो गए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में अपन को सबसे पहले क्या चाहिए थी, रेडियस, वो अपने पास है 28 सेंटीमीटर। फिर थीटा चाहिए, तो थीटा टोटल कितना है, 360। 360 को आप किससे डिवाइड कर दो, 6 से, तो थीटा का रिजल्ट आ गया कितना, कितना आएगा, 60 डिग्री, 60 आने वाला है। अब देखो ये क्या बन रहे हैं, वृत्तखंड बन रहे हैं, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे अपन। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपको एक्यूरेट याद होने चाहिए। अब देखो वृत्तखंड कितने हैं, 6, तो इनकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से करते हैं। चलो फाइंड आउट पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, 28 इंटू 28 माइनस, सॉरी थीटा कितना है, 60 डिग्री, बट्टे में 7 × 360, ये रिजल्ट आ गया। माइनस का चिन्ह 1/2, 28 × 28 इंटू साइन 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, जो कैलकुलेट हो रहा है उसको कर लो। जैसे ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, कट रहा है कितनी बार, 4 बार कट रहा है, 2 से काट लो, सॉरी इसको ऐसे एज इट इज रहने दो एक बार। तो ये कितना हो गया, 22 × 4, तो ये हो गया 88, कितना हो गया, 88। 88 की मल्टीप्लाई करो आप 28 से, तो 8 8 64 होता है, हमेशा होता है ना, 8 8 64 होता है, और 64 में अगर अपन 6 ऐड कर देंगे तो 70 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया और ये 17 हो गया, तो 4 6 1500, अरे सॉरी क्या लिख दिया, 24 64। इस ऊपर वाले का रिजल्ट आया अपना 24 64 बट्टे में 6, इसको कैलकुलेट किया था। अब करते हैं इसको कैलकुलेट, -1/2 28 × में 28 × sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इस 2 से इसको काटोगे आप तो ये रिजल्ट बनेगा 14, इससे इसको काटोगे तो 7, 28, 28 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 7 से, 56 होता है, 5 14 19, 196 आ गया रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपका आया है 24 64/6 माइनस कितना, 196√3। अब देखो एक काम कर सकते हैं अपन, क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिवाइड करें, हाँ ये हो सकता है काम। तो उसने बोला है कि √3 की वैल्यू अपन को कितनी लेनी है, 1.7 लेनी है, तो वही लेंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 196 की किससे, 1.7 से, तो 42 4 होता है, 63 4 67 होता है, 6 आ गया, 12 और 1 13 इंटू में 196, ये 2 आ गया, और 12 और 1 13 होता है, 13 होता है तो होता ही है, कितना आ गया, 333.2। इस टोटल का रिजल्ट आया है अपना कितना, 24 64/6 माइनस 333.2। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, 3 2 6 और 1 7, ये आ गया इतना रिजल्ट, कितना आ गया, 600, अरे 18 होता है, 6 3 कितना होता है, 18 18 और 1 कितना हो गया, 19, फिर 18 और 1 19, 18 और 1
19 ये आएगा 1999.2। अभी आगे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ मैं क्या रिजल्ट आया है, 24 64 -1999.2/6। अब 24 64 से कितना घटाएंगे, 1999 लेस करेंगे, तो 24 64 -1999.2, तो ये क्या शेष रहा, 8 ये 10 हो गया, तो 4 ये कितना हो गया, ये भी 10 हो गया, तो 6 ये भी 10 हो गया, तो 4 कितना रिजल्ट आया है, 46। यहाँ पे अपन डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, ये इतना आ गया, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 कितना होता है, 42। 4 से 7 कितना होता है, 42.7। 6 के पहाड़े में 6 चौका 24, तो ये रिजल्ट आ रहा है अपना 77.4, कुछ लगभग और भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट अपना आ जाएगा। तो देखो अपन ने क्या किया है, ये कोई मेज पोस्ट था, इतना रिजल्ट आ गया, ठीक है 6 का आ गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.35 से और करनी है, क्यों, क्योंकि अपन को टोटल खर्चा निकालना है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुल खर्चा कितना होना है, 0.35 की मल्टीप्लाई आप करो 77.4 से, तब जाके अपना टोटल रिजल्ट आएगा। तो एक मल्टीप्लाई और करके देख लेते हैं अपन, क्या आया 77.4, और इसकी मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, ये लगभग में आएगा ये रिजल्ट। तो देखो 5 चौक 20 होता है, 2 हासिल हो गया, 35 और 2 37, फिर देखो 35 38 आ गया, इनटू में 12 हासिल 1, 21 21 और 1 22 2 हासिल 21, 21 और 23 2 जोड़ते हैं तो ये हो गया 9 0 0 7 2, तो टोटल रिजल्ट आ गया अपना 2709 रुपये अपनी जेब से लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 2709। देखो उसने कहा है कि रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर, थीटा अपन ने निकाल लिया कितना, 60 डिग्री, इतना रिजल्ट आ गया, ये आपको समझ में आ गया। वृत्तखंड बना है, कौन सा, लघु वृत्तखंड, कितने हैं, 6 वृत्तखंड है, 6 का अपन ने रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो इस टोटल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक वृत्तखंड के लिए कितना रिजल्ट है, 0.35, तो इसको 77.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2709 रुपये लगभग आएंगे। और कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गई है तो आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसको सोल्व आउट करेंगे। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, और ये शायद प्रश्नावली का भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है। तो देखो रेडियस दे रखी है अपन को आर, थीटा दे रखा है अपन को पी डिग्री, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो देखो ऑप्शन है इसमें, पहला क्या है, पी बट्टे 180 × 2π r, ठीक है रेडियस बड़ी ले रखी है इसने, ठीक है इसको अपन क्या ले लेंगे, स्मॉल ले लेंगे। फिर बी ऑप्शन है इसका, पी बट्टे 180 × π r² कैपिटल है ना r। फिर सी ऑप्शन दे रखा है इसने, पी बट्टे 360 × 2π r। फिर डी ऑप्शन है इसका, पी बट्टे 360 × 2π r² इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला, क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और वो अपन जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, यह होता है लघु के लिए, किसके लिए, लघु के लिए। और अगर दीर्घ की बात करें,
जैसे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, फिर 360 माइनस थीटा बट्टे में 360। अपन से ये पूछा है, ये अगर किसी के अंदर मैच हो रहा है तो वही क्या हो जाएगा रिजल्ट। तो देखो पहले में 2 पाई आर, इसको और काटोगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा नीचे की साइड, इसको इससे काटोगे तो 90 आएगा, जबकि रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पहला क्या हो गया गलत। दूसरा देखो पाई आर स्क्वायर ठीक 180 है, कितना होना चाहिए 360, तो ये भी क्या हो गया गलत। तीसरे में देखो इसको काटोगे तो पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए, इसमें आर सिंगल है, तो ये भी क्या है गलत। फिर देखो इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी 360 ही दे रखा है क्या, सॉरी इसमें 360 नहीं दे रखा है, कितना है 720 है। तो देखो इससे इसके काटेंगे तो ये 360 तो हो गया ना, पाई आर स्क्वायर पी डिग्री 360, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपन ने 12.2 के प्रश्नावली कंप्लीट पढ़ लिए, जिसमें कितने क्वेश्चन थे, लगभग लगभग नहीं 14 क्वेश्चन थे, एक एक करके आपको मैंने बहुत ही अच्छे वैसे पढ़ाया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या प्रश्नावली 12.3, उसके पहले फॉर्मूले क्लियर करेंगे और बाद में क्या करेंगे उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो 12.1 और 12.2 प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो गई हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर डाउट है, क्या है डाउट है, तो आप क्या करोगे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्नावली का नाम, जैसे 12.2 में 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट है तो प्रश्नावली यानी कि चैप्टर 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो आपको पूरी प्रश्नावली होने के बाद में दोबारा से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।